अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो जो जो भाई बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं या न्यू है, तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम आज की अपनी पहली न्यूज की तरफ। आज की जो हमारी पहली न्यूज है, PMPL के Day 3 में टीम I8 के चिकन डिनर से रिलेटेड है। Day 3 में टीम I8 वर्सेस 3X होता है, जिसमें I8 सिर्फ ग्रेनेड के साथ ही चिकन डिनर निकाल लेती है। तो वो क्या मूवमेंट होता है वो भी मैं आप लोगों को इधर प्ले करके दिखा देता हूँ। दूसरे एंड पर टीम SR3XE स्पोर्ट्स, जिनको कल दरकार है, जिनको चाहिए कि विनर विनर चिकन डिनर, ताकि वो अपना कमबैक ओवरऑल उस पॉइंट्स टेबल पर कर सके। लेकिन टीम Agonix I8 पहले ही लीड बना चुकी है। पहला नॉकआउट टीम Agonix I8 ने अपने नाम जरूर यहां पर किया है, लेकिन टीम SR के प्लेयर्स उनके हाथ में नेड दिखाई देते हैं। टीम Agonix I8 उनके पास भी हमें नेड ही दिखाई दे रहे हैं। सो नेड बमुकाबला नेड की फाइट रहेगी, लेकिन Agonix I8 के उज़्म उनकी तरफ से नेड निकाला गया। नेड थ्रू भी करने वाले थे, फिर जाकर उन्होंने सोचा कि मैंने नेड नहीं करना है, लेकिन ब्लेड वो क्या नेड थ्रू कनेक्ट करवाएंगे। उनकी तरफ से नॉकआउट निकाल लिया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि टीम SR3XE इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे। टीम SR3XE स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर बेबस दिखाई देते हुए, और वो प्लेयर्स जो कि कुछ ही देर पहले हमें एक अच्छी फाइट के लिए खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, अब टीम SR3XE के पास सिर्फ उज़ैफा मौजूद है। उज़ैफा द लास्ट मैन स्टैंडिंग, पीक करेंगे, फायर करेंगे, मलिक उनको फलक, इनफैक्ट उनको नॉकआउट किया जा सकता है। उज़ैफा फाइनली। उम्मीद है कि आप लोगों को I8 का ये चिकन डिनर मूवमेंट पसंद आया होगा। तो अगर Day 3 के रिलेटेड बात चली रही है, तो Day 3 में H2E के मीन 52 स्पॉट पर 1v4 कर जाते हैं। तो वो क्या मूवमेंट होता है वो भी मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूं। इस कंपाउंड पे कभी ना खेला करो, हां अंटिल अनलेस अगर कोई लॉस्ट जोन हो तो बंदा चलो समझ आता है। यार थोड़ा कीवर्ड में बोलो, हैंड फ्री नहीं है कीवर्ड, मतलब ओके ले भाई, दो नॉक, तीन नॉक कर गए 52 का। ओ भाई रेक्स तीन नॉक कर गया, आई थिंक सो 52 के। ओ 1v4, ओ भाई भाई साहब। उसी के साथ Day 3 के ओवरऑल स्टैंडिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो PMPL के Day 3 के बाद टीम्स की क्या क्या ओवरऑल स्टैंडिंग है वो भी मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूं। तो आफ्टर Day 3 हमें #1 पर Agonix I8, #2 पर R3G, #3 पर 7th Element, #4 पर Magnus Esports, #5 पर 141X बबलू फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा टीम्स की जो जो ओवरऑल स्टैंडिंग है और टॉप फ्रैगर है वो भी आप लोग इधर स्टॉप करके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी अगली न्यूज की तरफ। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि रोल किसने ट्विस्टेड माइंड को लीव कर दिया था। तो अगर नहीं पता मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रोल किसने ट्विस्टेड माइंड को लीव कर दिया था, और वो ट्विस्टेड माइंड को लीव करने के बाद अपनी ओल्ड टीम यूनिकॉर्न्स ऑफ लक में जा चुके हैं। तो चलते हैं आज की अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो आज की जो हमारी अगली न्यूज है बबलू टीन वुल्फ से रिलेटेड है। तो रिसेंटली बबलू टीन वुल्फ अपने चैनल पर PMPL की वॉच पार्टी स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ पर वो बताते हैं कि टीम I8 और टीम स्टार में अगर कोई किल हो जाता है तो उसके बाद हेट फैलना क्यों स्टार्ट हो जाता है, और वो चीज से रिलेटेड टीम I8 और टीम स्टार के फैंस को क्या बातें वगैरह करते हैं वो भी मैं आप लोगों को इधर प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा यार तुम को मैं एक चीज बता रहा था कि यार देखो I8 की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, नो डाउट स्टार की भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। मैं ये अपनी स्ट्रीम पर ये बात मैं लास्ट आखिरी बार करूंगा, ठीक है, काफी आकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हो। देखो मैं तुम लोग एक चीज बताऊं ना, कंपैरिजन बनता नहीं है, ठीक है, स्टार की अपनी फैन फॉलोइंग अच्छी है, I8 की अपनी फैन फॉलोइंग अच्छी है। अगर हम देखा जाए ना कि अचीवमेंट वाइज और जिसने मतलब सही जिस लेवल पर गए हैं, तो उस लेवल पर I8, ठीक है, वो बहुत आगे तक खेल कर आ चुके हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत कुछ विन कर चुके हैं। देखो ये बिटर ट्रुथ है, सच है, इसको हेट में नहीं लेना, मैं एक सच बता रहा हूँ। स्टार के फैंस I8 वालों से ना लड़ो, ना I8 के फैन भाई स्टार वालों पर लड़ो, सीधी बात है भाई, दोनों एक दूसरे से ना लड़ो, बिटर ट्रुथ है भाई, मतलब कड़वा सच है, ठीक है। I8 का स्टार से कंपेरिजन बनता नहीं है मेरे मुताबिक। स्टार नो डाउट अच्छी फैन फॉलोइंग है यार, बहुत अच्छे बंदे हैं, मतलब स्टार की फैन फॉलोइंग अच्छी है, वो भी लड़ पड़ते हैं उधर से, I8 वाले लड़ पड़ते हैं, नो डाउट। लेकिन कंपैरिजन उसका बनता है ना जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर I8 है ना, I8 के साथ लाइक जब हमारा प्राइम टाइम था, मतलब उनके साथ साथ थे हमारा, ठीक है, बबलू का फॉर एग्जाम्पल था, तब हमारा मतलब उन हमारी और I8 की बहुत होती थी। अगर अभी का देखा जाए, देखो 7E, MGS, R3G, मतलब वो उस लेवल पे है कि वो टॉप पोजिशन को मतलब जा सकते हैं, तो उनका कंपेरिजन बनता है।
इधर जो कंपैरिजन नहीं बनता वो आई8 और स्टार का हरगिज नहीं बनता। नो डाउट स्टार ने अभी न्यू टीम बनाई है यार, वो मुझे लगता है काफी आगे जाएंगे, ठीक है आगे जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन तुम लोग इधर से स्टार्ट में ही स्टार को तुम लोग मतलब शुरू हो जाते हो हेट देना, भाई स्टार मरे तो आई8 वाले फैन शुरू हो जाते हैं, भाई तुम लोग क्यों मतलब उसको दे, फायदा नहीं है ना। देखो उनका अपना खेलने दो, तुम लोगों ने एक उनकी अलहदा ली होती भाई, उन अच्छी है अभी के लिए टीम, बहुत अच्छी है, मैं खुद अभी बोल रहा हूँ बहुत अच्छी टीम है। अच्छा ये मैं सिर्फ स्टार पर नहीं कह रहा, आप देखो आई8 पहले मर जाएगी ना, स्टार वाले फैंस भी आ जाते हैं बोलने ये हो गया वो मर गई ये हो गया वो हो गया, और इधर से स्टार वाले पहले मरे तो आई8 वाले आई8 के फैंस बोलने लग पड़ते हैं, समझा करो। उम्मीद है कि आप लोगों को सब बातें वगैरह समझ आ गई होंगी, और टीम आई8 और स्टार का कोई भी फैन अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे भी पता चल गया होगा कि हेट देने का कोई फायदा नहीं है। तो आज के लिए हमारे पास आप सबके लिए बस इतनी सी न्यूज़ थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।